Assalamualaikum students. Today is my topic matrix. Matrix first year का एक topic है matrix. Students आपको मैंने अपनी पहली video में कुछ matrix के बारे में बताया. पहले हम कर लेते हैं revise कर लेते हैं कि matrix हमारे पास क्या होता है. Matrix में है कि real कुछ rectangular array, real numbers की rectangular array लेती हूँ और उसे enclosed कर देती हूँ square brackets में, तो वो हमारे पास एक matrix कहलाता है. Matrix में हमने पढ़ा एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. और हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मैट्रिक्स के, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो मैट्रिक्स के रोज कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है वो मैट्रिक्स के कॉलम कहलाते हैं. और मैट्रिक्स में जो रोज हमारे पास आती है उसे हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम जो है उसे एन से डिनोट करते हैं. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाता है. आगे आज हम कुछ पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे. मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. और मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड कर रहा होता है मैट्रिक्स की रोज और मैट्रिक्स के कॉलम पे. और अभी हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं और रोज को एम से और कॉलम को एन से डिनोट किया जाता है. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, एम क्रॉस एन. हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं एम क्रॉस एन के रूप में लिखते हैं. जैसे कि अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, टू हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो ये मैट्रिक्स की रोज हुई, टू रोज हुई मैट्रिक्स की, तो एम क्या आ गया हमारे पास, टू आ गए. और जो वर्टिकल लाइन कितनी है, वन टू और थ्री. थ्री वर्टिकल लाइन है मीन्स कि हमारे पास जो कॉलम है वो थ्री है. तो n से डिनोट करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थ्री. तो इस ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, टू क्रॉस थ्री. आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अब ऑर्डर का हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है. आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है पहले कि रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है. रो की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स हमें ये अब पता चल रहा है कि मैट्रिक्स में कोई रो होगी. तो आ मैट्रिक्स हैज वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो सिर्फ वन हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है. जैसे कि ये एग्जांपल में है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट देखिए एक एक रो आ रही है, कॉलम तो थ्री आ रहे हैं लेकिन रो कितनी है हमारे पास, सिर्फ एक है. कॉलम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रो क्या होनी चाहिए, सिर्फ वन होनी चाहिए. अब यहाँ पे वन रो है तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स कहलाता है. आगे कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स की है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा आता है. कॉलम की बात हो रही है, इससे जाहिर हो रहा है कि कोई कॉलम होगा मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ. तो इसकी भी डेफिनेशन है कि आ मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास वन कॉलम. रो ज्यादा हो सकती हैं, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि कॉलम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. इसी तरह कॉलम में, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमारे पास वन होनी चाहिए और जो रोज है वो ज्यादा हो सकती है. जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें देखें टू थ्री और फोर, रोज तो हमारे पास थ्री बन रही है लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ वन है. तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया. आगे नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स की है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट्स, अब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुल की बात हो रही है. रेक्टेंगुलर हमें हम क्या देखते हैं कि उसकी जो साइड्स हैं वो टू और टू, मतलब कि एक ये वाली साइड से वो बराबर नहीं होती, यहाँ से ये ऊपर नीचे वाली बराबर होती है और ये आमने सामने वाली बराबर होती हैं. तो ये हमारे पास ये एक एग्जांपल में भी ये रेक्टेंगुलर बना नज़र आ रहा है ना, जिसमें रोज रोज ज़्यादा है और कॉलम भी, रोज कम है टू हैं और कॉलम हमारे पास क्या है, थ्री हैं ज़्यादा हैं. तो एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है. तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो डिपेंड कर रहा होता है रोज और कॉलम पे, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के. तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के. जैसे कि स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए वन टू और थ्री, थ्री कॉलम्स है और रोज कितनी है, वन टू, इक्वल नहीं है. और वैसे भी शेप भी हमें, शेप से भी पता चल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है. तो वो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के
नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो जिसे हम जो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए वो एम नॉट इक्वल टू एन होना चाहिए, कि जो एम है वो एन के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में भी है, टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और आगे नेक्स्ट है कि रियल मैट्रिक्स रियल से ही जाहिर हो रहा है कि कोई रियल नंबर की बात हो रही होगी, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रियल नंबर होंगे वो हमारे पास रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि ये ऊपर दिया हुआ है, इसमें 2, 3, 4, 5, 1, 2 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल होंगे उसे हम रियल मैट्रिक्स कहेंगे, जैसा कि ये हमें दिया हुआ। तो अब मैट्रिक्स हैज रियल नंबर इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। जी थैंक जी। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।